उज्जैन जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए डीआईजी अश्विन शेनवी और एएसपी अजीत शेखावत ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस मुहिम के तहत सीआईए नरवाना इंचार्ज मनीष सहारण ने 2 नशा तस्करों से लाखों रुपए की 70,500 नशे की गोलियों की खेप बरामद की। बता दें कि इस दवाई पर बैन लगा हुआ है, बावजूद इसके युवा नशा करने के लिए इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। इंचार्ज मनीष सहारण ने बताया कि तस्कर दिनेश और महेंद्र एक नशे की खेप की डिलीवरी देने के लिए डिजायर कार में जींद से कैथल रोड पर जा रहे थे। दोनों तस्करों को कंडेला के पास से गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ हमने हमारे जो डीआईजी साहब हैं श्री अश्विन सैनी जी के दिशा निर्देश अनुसार और हमारे जो एएसपी साहब हैं जो अजीत सिंह शेखावत जी के सहयोग और आशीर्वाद से हमने 70,500 ट्रामाडोल की गोलियां बरामद की है, जो एक गड्डी में सप्लाई के लिए जा रही थी, और 2 लड़कों को उसमें गिरफ्तार किया। और इसी तरह हमने पहले भी 2-3 दिन पहले एक पर्चा दिया था जिसमें भी ट्रामाडोल की 16,500 गोलियां बरामद की थी हमने, 16,900 गोलियां। तो हमारी कोशिश है भाई जल्द से जल्द यहाँ पर जितने भी नशे के खिलाफ है जो भी यहाँ खेप है या जो भी यहाँ नशा बेचता है उनको जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे और ये पता लगा रहे भाई कहाँ से आई है और कहाँ सप्लाई हो रही है। ये हमने कल कंडेला गांव के पास एक डब्बा है उसके पास पकड़े। तो इन्होंने पूछताछ में बताया? पूछताछ में अभी पूछताछ इनके साथ जारी है, पूछताछ करेंगे भाई कहाँ इन्होंने सप्लाई की थी और कहाँ से लेकर आए थे। ये नशे की गोलियाँ हैं जो ये बैन है गोलियाँ, इसमें नशा के बहुत ज्यादा साल्ट होते हैं, ट्रामाडोल गोलियाँ हैं, जो लोग नशा के आते हैं वो इसको यूज करते हैं। बता दें कि पंजाब सीमा के साथ लगते एरिया में नशा तस्कर गिरोह सक्रिय है। बहरहाल सीआईए पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करेगी और इस गिरोह के हाथ किस किस जगह फैले हैं उनको पता लगाने की कोशिश करेगी। सत्य खबर के नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।